हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा सभी भारतीयों के लिए अब जिनके पास भी यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है या फिर वो कुछ स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब उन सभी लोगों को यूएई में जाने की अनुमति मिल चुकी है। इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, जिसमें हमने बताया है कि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से जो नया नियम लागू किया गया है वो क्या क्या है, कौन कौन से लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं, जो लोग ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने के बाद भी कई सारे लोगों के अलग अलग सवाल आ रहे थे, तो सोचा कि इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब ले लें कि इस समय यदि आप भारत में हैं और यूएई ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इस समय भारत में हैं और यूएई ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें ताकि आपको सारी जानकारी सही सही समझ में आ सके। यहाँ पर जो पहला और सबसे ज़्यादा जो लोगों ने सवाल पूछा है कि उनका आईसीए का स्टेटस जो है रेड आ रहा है, क्या रेड स्टेटस होने के बाद भी वो दुबई और अबू धाबी के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आपका आईसीए अप्रूवल नहीं हुआ है, यानी कि आईसीए में आपका स्टेटस रेड आ रहा है, तो अभी भी आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या हम ट्रैवल वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा लेकर जा सकते हैं। तो इस समय जो यूए की गवर्नमेंट ने जो परमिशन दिया है वो केवल और केवल रेजिडेंट वीज़ा होल्डर वालों के लिए ही दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पर यूए के रेजिडेंट हैं और आप कुछ स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आप यूए में जा सकते हैं। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछ रहे थे लोग कि क्या यहाँ पर दुबई की जब उड़ानें चालू हो गई हैं तो क्या हम दुबई होकर सऊदी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि सऊदी की गवर्नमेंट ने खुद यूएई से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ है, तो यहाँ पर यदि दुबई की फ़्लाइटें चालू हो गई हैं तो इससे कोई भी मतलब नहीं है कि सऊदी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं या फिर नहीं। जब तक यहाँ पर सऊदी की गवर्नमेंट दुबई से अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं करती है तब तक आप बाया दुबई होकर सऊदी नहीं जा सकते हैं। दोनों कंट्री अलग अलग है, दोनों कंट्री के नियम अलग अलग हैं। यहाँ पर दुबई की फ़्लाइटें चालू होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सऊदी की फ़्लाइटें चालू हो गई है। सऊदी के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, एक बार सऊदी से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आएगा आपको खुद ही पता लग जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक बार समझना ज़रूरी है। यदि आप इस समय दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके पास रेजिडेंट वीज़ा होने के साथ साथ आपको अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि आपको फ़्लाइट में बैठने से थोड़ी देर पहले ही कराना पड़ेगा और वो आपको एयरपोर्ट पर लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ यूए की गवर्नमेंट जो है फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही यूए में आने की अनुमति दे रही है। यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और दूसरी डोज लेने के बाद आपके 14 दिन पूरे हो चुके हैं तो ही आप यहां पर यूए जाने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो आप सभी लोगों को फुलफिल करनी है तो ही आप इस समय भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस समय इतनी ही खबरें सामने आ रही थी जो हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। यदि कुछ और जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और यूएई से जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट खबरें इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहें।